हेलो डियर स्टूडेंट वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम टू एग्रीकल्चर रेडा ट्वेंटी फोर तो एग्रीकल्चर रेडा ट्वेंटी फोर में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आज की क्लास में हम लोग आज के आई मीन सेशन में हम लोग करने वाले हैं आई बी पी एस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे तो आई थिंक इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क बाई आई तो आई किस टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है और लास्ट ईयर का क्वेश्चन किया था जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं सम ऑफ द अबाउट दैट बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं तो गाइज आज के क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आने आए थे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो हेलो शुभम वेरी गुड आफ्टरनून झांसी वेलकम इन द सेशन गाइस हाँ वेरी गुड आफ्टरनून ब्रजेश वेलकम टू ऑल इन द सेशन गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास सो इससे पहले गाइस आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ओके सो गाइज़ Uh, this is your mobile application, and you have to download it for the further notification and for the batch enrollment. Okay, so guys, this is your first question with what. क्रॉप सॉरी विच क्रॉप बोटैनिकल नेम इज़ ओराइज़ा सटाइवा तो ओराइजा सटाइवा किसका बोटैनिकल नेम है वेरी गुड आफ्टरनून गाइज वेरी गुड आफ्टरनून वेलकम यू ऑल इन द सेशन सो बोटैनिकल नेम अगर हम बात करें ओराइजा सटाइवा तो दैट इज राइस आप सभी को पता है कि ये किसका बोटैनिकल नेम है राइस का है राइट नेक्स्ट वॉट इज द यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट फॉर द ऑल रबी क्रॉप अकॉर्डिंग टू पी एम बीवाई तो आ, पी एम एफ बीवाई के अकॉर्डिंग अगर हम रबी क्रॉप ऑल रबी क्रॉप्स का प्रीमियम रेट देखें तो इट विल बी वन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है इसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं राइट right? तो ये आपका 1.5 परसेंट है नेक्स्ट द पंजेंसी ऑफ अनियन इज ड्यू टू वेज कंपाउंड तो कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी वजह से अनियन में पंजेंसी होती है uh, एलाइल uh, प्रोपाइल डाइसल्फाइड एंड uh, uh, डाई एलाइल डाइसल्फाइड uh, आइसो uh, आइसो सॉरी uh, आइसोथायोसाइनाइट uh, एंड uh, मेमोडिकेट एंड uh, 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 एंड एंथोसाइनाइड तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉसम एंड रॉट इन पोटैटो इन डैश ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ तो ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज किसकी वजह से होता है ये जनरली आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और टमाटो में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ द पॉन्ड रिक्वायरमेंट फॉर तो ये क्वेश्चन आपका फिशरी से आया है गाइस ओके तो अगर हम इफ़्लुएंट ट्रीटमेंट की बात करें पॉन्ड में तो जनरली इट विल जस्ट रिड्यूस द ऑर्गेनिक कंटेंट एंड रिमूव द पैथोजेंस फ्रॉम द पॉन्ड ओके, सो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है रिड्यूस कंटेंट एंड रिमूव दॉन्ट से पैथोजेंस को रिमूव करने के लिए और ऑर्गेनिक कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए जनरली इफ्लुएंट ट्रीटमेंट दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर दी एफ एस एन एफ इन काफ कितना होता है काउ मिल्क में सो एट पॉइंट फाइव परसेंट एट पॉइंट जीरो

तो इसे क्या बोला जाता है गाइस तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी हिट्रॉस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीएमआर रिकमेंडेड ऑफ वेजिटेबल्स इन ग्राम तो आईसीएमआर का जो रिकमेंडेशन है दैट इज अबाउट थ्री हंड्रेड ग्राम्स तो गाइज इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज थ्री हंड्रेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्कीम डायरेक्ट फार्मर गेट रुपीज सिक्स थाउजेंड सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट एनुअली तो किससे मिलता है गाइस तो ये आप देख सकते हो तो ये पीएम किसान से मिलेगा ठीक है सिक्स थाउजेंड रुपीज जो है ये पीएम किसान से मिलता है ठीक है चलो नेक्स्ट तो पेंडी अगेंस्ट जो है किसके अगेंस्ट यूज करा जाता है तो गाइज ये आप सभी को पता है के अगेंस्ट यूज करा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्ट ऑफ पाचुरेशन ऑफ सॉ इज कॉल्ड एस तो इसे क्या बोला जाएगा दैट इज एक्चुअली द फरोइंग ठीक है दैट इज फरोइंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आर एम दैट इज रिचर्ड मिसल नंबर टेस्ट इज़ डन टू चेक प्योरिटी ऑफ तो ये टेस्ट जो है किसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज़ करा जाता है तो so, गाइज़ ध्यान दीजिएगा इसको घी के लिए यूज़ करा जाता है ठीक है नेक्स्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखनी है तो so, गाइज इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ले सिल्ट एंड सैंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट uh, हो जाएगा ठीक है क्ले सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आई एम सॉरी वेरी सॉरी Uh, ये नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्ले सिल्ट एंड सैंड हो जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं तो सिंटम्स ऑफ पाउडरी मिड्यू इन पी फर्स्ट अपेयर्ड इन तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा गया है ठीक है पहली बार तो ये लीव्स में देखे गए थे ठीक है सिंटम्स ऑफ पाउडरी मिड्यू ऑफ पी इज़ फर्स्ट अपेयर्ड इन लीव्स ओके नेक्स्ट फैमिली ऑफ मस्टर्ड इज मस्टर्ड की फैमिली क्या है तो गाइज यहाँ पर मस्टर्ड की जो फैमिली है दैट इज क्रूसी आप सभी को पता है क्रूसी हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली क्रूसी इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस विच सॉफ्ट एंड द सीड कोड ऑफ वाटर एंड गैस तो कौन सी प्रोसेस में होता है जनरली तो गाइज दिस इन द प्रोसेस ऑफ स्कैरिफिकेशन स्कैरिफिकेशन में होता है ठीक है सीड कोट एंड गैसेस को सॉफ्ट किस में करा जाता टू द वॉटर एंड गैसेज तो ये जनरली सॉफ्ट करने के लिए यूज करा जाता है स्केरिफिकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क तो सिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है गाइज तो बेसिकली दिस सिरिसेन. यहां पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो सीरिसन हो जाएगा ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सिल्क सिल्क फ्रॉम द तो जब इसको सिल्क को कुकुन से निकाला जाता है तो एक्चुअली दिस प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग ये प्रोसेस जो होगा ये रीलिंग हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ठीक नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल टसर ये क्या हो जाएगा ट्रॉपिकल टसर हो ट्रोप। जाएगा गाइस तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो ट्रॉपिकल टसर ट्रोप तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग इज रेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ विच क्रॉप तो रेटिंग जो है कौन सी क्रॉप का प्रोसेस है बेसिकली तो रेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गाइज ये आपका जनरली किस में करा जाता है तो राइस में करा जाता है ध्यान दीजिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रूट ऑफ रोज इज़ नोन एज तो फ्रूट ऑफ रोज रोज के फ्रूट को क्या बोला जाता है तो एच आई पी एस यानी कि हिप्स बोला जाता है ठीक है फ्रूट ऑफ रोज इज कॉल्ड हिप्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज फॉर द पॉलिप्लॉडी ब्रीडिंग तो भाई पॉलिप्लॉडी ब्रीडिंग में आपका कौन सा केमिकल यूज करा जाता है आप सभी को पता होगा देख के समझ में आ रहा होगा पॉलिप्लॉडी के लिए कोल्चेसन ट्रीटमेंट यूज करते हैं ठीक है तो कोल्चेन यहाँ पर यूज करा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑल्टरनेटिवली तो दो दो ब्रीड्स के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली तो गाइज दिस इज़ कॉल्ड क्रिस क्रॉस इसको हम क्या बोलते हैं क्रिस क्रॉस बोलते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट ऑफ पोमग्रेनेट इज नोन एज तो पोमग्रेनेट फ्रूट को आप पोमग्रेनेट uh, का जो फ्रूट सॉरी पाइनएप्पल वेरी सॉरी पाइनएप्पल नहीं पाइनएप्पल uh, होगा पोमग्रेनेट नहीं होगा तो देखो फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज कॉल्ड तो इसको हम क्या बोलेंगे गाइज दैट इज सोरोसिस ठीक है काफी इजी क्वेश्चन है ठीक है हॉर्टिकल्चर से आया है नेक्स्ट द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ केवीके के गोस टू तो जो केवी के है ठीक है केवी के की सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है गाइस तो ये जाता है मंगला रॉय को किसको जाता है मंगल सॉरी मंगला, मंगला रॉय को ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बफेलो ब्रीड फ्रॉम गुजरात एंड हैव सिकल शेप्ड हॉर्न तो ये काफ़ी बार मैंने क्लासेस में रिपीट भी किया है ओके okay? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरती आप सभी को पता है सिकल शेप्ड हॉर्न किसके होते हैं सूरती ब्रीड के होते हैं और गुजरात की है तो सूरत ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्लेमेशन ऑफ एल्के्केलाई सॉइल इज एल्केलाइज सॉइल बाय यूजिंग तो एल्केलाइज ऑयल का रिक्लेमेशन कैसे करा जाता है तो गाइज ये करा जाता है आपका जिप्सम ऐड करा जाता है और फिर उसको रिक्लेम करा जाता है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैपनीज इंसिफेलाइटस जैपन जैपनीज इंसिफेल जो है पिक्स में आ, जो इन्फेक्शन होता है ठीक है तो आ, पिक्स का इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए मेनली होस्ट कौन हो जाएगा पिग हो जाएगा और ये इसमें जो मेनली जो आ, काम करता है यहाँ पर तो ये आपका सॉरी यहाँ पर जो आपका होस्ट हो जाएगा ठीक है जो होस्ट होगा मेनली इसके लिए मॉस्किटो हो जाएगा ठीक है सॉरी यहाँ पर एक्चुअली होस्ट की बात करें एम वेरी सॉरी ये होस्ट की बात यहाँ पर कर रहा है तो मॉस्किटो हो जाएगा ठीक है विच इज द होस्ट ऑफ जैपनी इंसेफेलाइटिस तो ये इसके लिए कौन हो जाएगा मेन होस्ट आपका मॉस्किटो हो जाएगा पहले ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मंडी इज अ टाइप ऑफ मार्केट प्राइमरी फेयर सेकेंडरी एंड टर्सरी तो मंडी किस टाइप का मार्केट है गाइज तो बेसिकली मंडी इज अ टाइप ऑफ मार्केट अगर हम बात करें तो प्राइमरी टाइप का मार्केट है ठीक है मंडी इज टाइप जहाँ पे आप फ्रूट्स या कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह सेल करते हो दैट इज एक्चुअली प्राइमरी टाइप ऑफ मार्केट उसको हम प्राइमरी टाइप ऑफ मार्केट बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मेयर्स पब्लिक पब्लिश्ड अ पेपर इन 1886 ऑन द डिजीज विच ही नेम्ड मोजैक डिजीज ऑफ विच क्रॉप एंड डिस्क्राइब इट्स सिंटम इन डिटेल तो कौन सी मोजैक डिजीज थी वो टबैको मोजाक डिजीज थी जो पहली बार मेयर ने पब्लिक उस पर पे पेपर भी एक पब्लिश किया था और उसके बारे में भी उन्होंने बताया था तो आप सभी को पता है कि कौन सी डिजीज़ कौन सी है टबैको है ठीक है नेक्स्ट वट इज स्मूथर क्रॉप तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्मूथर क्रॉप क्या है ओके सो बेसिकली रैपिडली ग्रोइंग क्रॉप दैट इज यूज टू सप्रेस और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ वीट ये ऑप्शन होगा या फिर रैपिडली ग्रोइंग वीट दैट इज यूज टू सप्रेस और स्टॉप दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स अ वैरायटी ऑफ सीरियल दैट ग्रो स्लोली एंड अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स दैट ग्रो फास्टर एंड नन ऑफ दिस तो गाइज यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैपिडली ग्रोइंग क्रॉप दैट इज यूज टू सप्रेस और स्टॉप दी ग्रोथ ऑफ वीट राइट सो द करेक्ट आंसर विल बी द रैपिडली ग्रोइंग क्रॉप दैट इज यूज टू सप्रेस और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ वीट ओके सो करेक्ट आंसर विल बी मेन करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए ओके ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट की रैपिडली ग्रोइंग क्रॉप होती है जो जनरली सप्रेस करती है स्टॉप करती है वीड्स की ग्रोथ को नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ब्लाइट ऑफ लेट ब्लाइट इज अ डिजीज ऑफ पटेटो टबैको वीट चिली एंड नन ऑफ दिस आपको पता है इसमें फेमाइन भी आया था ओके okay. और ये जो है पटेटो की डिजीज है ठीक है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आप सभी पढ़ते हो फाइटोफोथोरा इसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोफोथोरा इन्फेस्टांस ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्री सीजनल प्लांटिंग ऑफ शुगर केन फॉलोड इन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका तो जो प्री सीजनल प्लांटिंग है ठीक है जो प्री सीजनल प्लांटिंग है आपकी महाराष्ट्र uh, में और कर्नाटका में ये जनरली किस टाइम पे होती है जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर मई जून सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड जून सॉरी जनवरी टू फेबररी सो इट विल बी अकर इन टू अक्टूबर इसकी जो टाइमिंग है दैट विल बी सेप्टेम्बर अक्टूबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिकमेंड्स द एम एस पी एंड इशू प्राइजेस सो फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नेफेड नबार्ड कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस दैट इज सी ए सी पी एंड नेक्स्ट वन इज मार्क सो गाइज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली सी ए सी पी दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज ठीक है तो एम एस पी और प्राइज uh, करने का काम यही रिकमेंड करते हैं ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोल्ड मोल्ड बोर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मोल्ड बोर्ड इज इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज करते हैं प्लॉइंग वीडिंग हेरोइंग लेवलिंग एंड मैन ऑफ दिस सो इट इज एक्चुअली यूज फॉर मेनली प्लॉइंग इसके लिए इसको हम क्या करते हैं प्लॉइंग के लिए यूज़ करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉयल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाई विच इंस्ट्रूमेंट टेंसियोमीटर एनिमोमीटर ऑक्सिनोमीटर मैनोमीटर एंड पोटोमीटर सो वी कैन यूज़ द इसके लिए हम क्या करते हैं टेंसीोमीटर को यूज़ करते हैं सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द यूरोपियन बी अब यहाँ पर आपको बताना है कि यूरोपियन बी इनमें से कौन है मेलीफेरा है डोरसाटा है सिरेना है या फिर मेलीपोना uh, है या फिर कौन सी है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एपस मेलीफेरा ओके एपस मेलीफेरा इज एक्चुअली द यूरोपियन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फोडी यूज फॉर तो बेटा टू फोडी इसके किसके लिए यूज़ करते हैं तो टू फोडी हर्बिसाइड है या फिर इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड है या फिर आपका बायो पेस्टिसाइड है तो ये आपका हर्बिसाइड हो जाएगा ठीक है इट इट इज़ एक्चुअली दर्बी साइड नेक्स्ट वन इज विच विच वन इज़ नॉट सेडिमेंट्री रॉक इनमें से कौन सा है जो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है सो दिस इज ग्रेनाइट लाइम स्टोन सैंडस्टोन डोलोमाइट एंड नन ऑफ दिस तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका granite okay next question is buffalo milk is whiter than cow milk why तो बफेलो मिल्क जो है मिल्क से वाइट क्यों होता है ये मिल्क के कंपैरिजन में क्योंकि काउ मिल्क येलो दिखाई देता है तो दिस इज एक्चुअली द बीटा कैरेटिन पिगमेंट गेट कन्वर्टेड इन टू दलर कलरलेस पिगमेंट क्योंकि बीटा कैरेटिन पिगमेंट जो होता है वो एक कलरलेस पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है इस वजह से बफेलो मिल्क जो है हमें काउ मिल्क के कंपेरिजन में ज्यादा वाइट दिखाई देता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रैचिंग रबिंग एंड सॉफ्टनिंग सीड कोट टू मेक इट परमिएबल फॉर द वॉटर एंड तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस सो बेसिकली एनी इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन स्कैरिफिकेशन क्या हो जाएगा स्कैरिफिकेशन हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं ये फॉरेस्ट्री से आया है आपका ट्री प्लस क्रॉप प्लस पास्चर नोनेस तो यहाँ पर ट्री भी होगी क्रॉप भी होगा एंड लैंड भी होगा तो ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा गाइस तो दिस इज एक्चुअली द एग्री सिल्वी पास्ल सिस्टम ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एग्री मीन्स एग्रीकल्चर सिल्वी मीन्स आपका जो ट्रीज हो गए ठीक है क्रॉप हो गया आपका एग्रीकल्चर एंड लैंड हो गया पास्रल ठीक है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज जोनोसिस तो बेटा जोनोसिस क्या होता है जोनोसिस इज बेसिकली द डिजीज ट्रांसफर एनिमल टू ह्यूमन तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जोनोसिस में ठीक है एनामोक्स इज वन ऑफ द वन ऑफ द स्टेप ऑफ तो एनामोक्स क्या uh, ओके सो एनामॉक्स इज बेसिकली एनामॉक्स आपका uh, किसमें एक स्टेप होता है तो बेटा ये यूज होता है आपका नाइट्रोजन साइकिल में किस में यूज होता है नाइट्रोजन साइकिल में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके ओके okay, ओके okay. ये ये क्वेश्चन आई थिंक शायद बीच में अलग से आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिन पोमग्रेनेट डिसऑर्डर दैट कैन नॉट आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली वेयर एज द एरिल बिकम सॉफ्ट उन ऑफ दॉमग्रेनेट तो क्यों होगा बताइए इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ द पोमग्रेनेट क्रैकिंग फ्रूट फ्रूट सकिंग मॉथ एंड एक्सटर्नल ब्रेक डाउन एंड एन ऑफ दिस तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताओ इंटरनल इंटरनल ब्रेक डाउन हाँ उसका रोग्यूंग हाँ उसका आंसर रोग्यंग है बिल्कुल रोग्यंग है उसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ पोम ग्रेनेट इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ पोम ग्रेनेट हो जाएगा ठीक है ओके सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ पोम ग्रेनेट ठीक है चलो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पैलर एंड एंटी एंटीपेलर लाइन इन डी एन एलिक्स इज कनेक्टेड विद विच बॉन्ड तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि पैलर और एंटी एंटीपैलर लाइन्स जो होती हैं डी एन ए हेलिक्स में वो जनरली कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है आपने देखा होगा ए टी जी सी इस तरीके से बॉन्ड बनता है ना ए टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी

ऑफ डैश एंड फेबररी फेबररी मार्च एंड नवंबर दिसंबर अप्रैल मे एंड अक्टूबर नवंबर जून जुलाई एंड सितंबर अक्टूबर जैन फ़ेब एंड अक्टूबर एंड अगस्त सितंबर एंड नन ऑफ दिस अब बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ बिल्कुल अरे वो क्वेश्चन रिपीट हो गया उसको छोड़ो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दो तो आंसर विल बी द अप्रैल मे एंड अक्टूबर नवंबर ठीक है तो अप्रैल मे एंड अक्टूबर नवंबर सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्रिएशन ऑफ मिल्क बाय ग्लैंडुलर सिक्रेटरी टिश्यू ऑफ द मिल्क एनिमल एंड एंड देयर करेक्शन इन वेरी सिस्टम टर्मिनेटिंग इट्स लेट डाउन स्पेसिफिक स्टिमुलाई सो लेक्टेशन सिक्रेशन होमोजेनाइजेशन एंड फ्लशिंग एंड नन ऑफ दीज सो वॉट विल बी योर करेक्ट आंसर गाइज करेक्ट आंसर विल बी लैक्टेशन यहाँ पर लैक्टेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोकोनट बीटल तो इसमें कोकोनट बीटल आपका कौन सा होगा कोकोनट बीटल विल बी द राइनोसोर ठीक है राइनोसोर बीटल आपका कोकोनट बीटल हो जाएगा नेक्स्ट बॉडी मिक्सचर में क्या होता है तो बेटा बॉडी मिक्सचर में आपका कॉपर कंटेंट होता है ओके सो वी कैन से द कॉपर कंटेंट इन द बॉडी मिक्सचर ओके बॉडी मिक्सचर में यहाँ पर कॉपर कंटेंट होता है ठीक है आप आपको पता है कि इसमें कॉपर यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूअस सीड सोइंग कॉन्टीन्यूस सीड सोइंग इन द रो एंड कवर्ड बाई दॉयल तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज सो करेक्ट आंसर विल बी हियर ड्रिलिंग ठीक है यहाँ पर बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग नेक्स्ट मिल्क फीवर तो मिल्क फीवर मैंने आपको कई बार क्लासेस में भी है, calcium, है? ये की से होता है पोल्ट्री द डायमेंशन 14 टू सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैटरी सिस्टम ठीक है एक next question is the principle of this technique in the generation of nitrogen cycle by maintaining the higher cn ratio through stimulating the heterotrophic microbial growth which assimilate the nitrogenous waste that can be exploited by the cultured uh, cultured spic feed so guys the correct answer for this question is bioflock uh, take a bioflock okay? biofloc fish farming or uh, last question hai aapka, which hybrid by protoplasmic fusion two different species varieties known as इसके लिए हो जाएगा ये आपके थे तो ये आपके प्रीवियस ईयर एफ क्वेश्चन थे यू कैन एनालाइज आप एनालाइज कर सकते हो आप इवेलुएट कर सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर था और कहाँ पर आपकी प्रिपरेशन चल रही है कहाँ तक अभी आपको और प्रिपरेशन करनी है ओके okay. तो गाइज अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो इसमें आपको प्री और मेन्स दोनों की क्लासेस मिल जाएंगी राइट सो यू कैन इनरोल इन द बैच ये आईबीपीएस एसओ का बैच है आप इसमें इनरोल करने के लिए कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो दैट इज वाई फोर फोर सेवन एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस बैच ओके आपको इसमें प्रे की क्लासेस भी मिल जाएंगी और मेंस की क्लासेस भी मिल जाएंगी और आपको सारा सिलेबस डिटेल में मिलेगा ओके सो गाइज लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर